तो गाइस क्या आप लोग भी 3 या 6 घंटे से ज्यादा गेम नहीं खेल पा रहे हो? गेम ओपन करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? आखिर हम लोग 6 घंटे से ज्यादा गेम कैसे खेले? क्योंकि जो भी बंदे रीजन में बैठे हैं वो लोग डेली के 20 घंटे से ऊपर गेम खेल रहे हैं। तो आखिर वो कौन सी ऐसी ट्रिक लगा रहे हैं जिसकी वजह से उनका गेम 6 घंटे तो क्या 20 घंटे खेलने पर भी बंद नहीं हो रहा, और आप लोग जो 18 से कम वो 3 घंटे ही खेल पा रहे हो और 18+ वाले 6 घंटे ही खेल पा रहे हो? तो टेंशन मत लो, इसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने खुद 6 घंटे से ज्यादा रैंक पुश किया है। तभी तो फर्स्ट डे में प्लेटिनम 1 से 3 स्टार हीरोइक लगा दिया और बाकी प्लेयर ने तो 20-25 घंटा खेल के ग्रैंड मास्टर भी लगा दिया था। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वरना बाद में मत बोलना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस गरीना ये रूल क्यों लाई है? इसका रीजन ये है कि ये सरकार की गाइडलाइंस है, जिस वजह से फ्री फायर इंडिया को सब लोग लिमिटेड टाइम के लिए खेल सकते हैं। और गाइस आपको तो पता ही होगा फ्री फायर मैक्स भी इंडिया में चलता है, तो उसमें भी ये लिमिट्स लगाई गई है, लेकिन बाकी सारे सर्वर में ये लिमिट्स नहीं लगी है। बाकी लोग अनलिमिटेड टाइम गेम खेल रहे हैं, बट हमारे इंडियन सर्वर में फ्री फायर मैक्स में भी लिमिट आ चुकी है। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी, मैं भी लगा था रैंक पुशिंग करने में, तो 6 घंटे के बाद मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम हुआ जो आप सबके साथ हो रहा है। उसके बाद मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, लेकिन मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ तो नहीं सकता था ना, क्योंकि भाई ग्रैंड मास्टर भी जाना था। तो मैं अपने सारे दोस्तों से भी पूछा क्या उनका गेम चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन उन सबके साथ भी सेम ही प्रॉब्लम हुआ था। फिर एक बंदा मिला जिसका गेम ओपन हो रहा था, क्योंकि वो नॉर्मल फ्री फायर खेल रहा था। तो मैंने जल्दी से अपना दूसरा फोन उठाया जिसमें नॉर्मल फ्री फायर इंस्टॉल था, और उसमें गेम ओपन किया तो उसमें गेम खुल गया। और गाइस जितने भी रीजन पे प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं वो सारे नॉर्मल फ्री फायर ही खेल रहे हैं, क्योंकि फ्री फायर मैक्स को कोई भी 6 घंटे से ऊपर नहीं खेल सकता। उस लिमिट को हटाने की कोई भी ट्रिक नहीं है, ओनली एक ही रास्ता है जो कि नॉर्मल फ्री फायर है। बट जहां तक मुझे लगता है गरीना जल्दी से भी बंद कर देगी। बाकी गाइस नॉर्मल फ्री फायर खेलने से आईडी बैन वैन कुछ नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद खेल रहा हूं, अभी तक मेरी आईडी तो कभी बैन नहीं हुई। बट अगर आप लोग थर्ड पार्टी वेबसाइट से करोगे तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग प्ले स्टोर से फ्री फायर डाउनलोड कैसे करें, प्ले स्टोर पे तो फ्री फायर है ही नहीं। तो गाइस उसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, उसके लिए पहले वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। चलो भाई, आपको VPN लगा के प्ले स्टोर से फ्री फायर डाउनलोड कर लेना है, लेकिन याद रहे उसके बाद VPN ऑफ कर देना, गेम को बिना VPN के ही खेलना, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। बस डाउनलोड तुम VPN लगा के कर सकते हो, ओनली प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना, बाकी किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड मत करना। लेकिन गाइस मेरी मानो तो ऐसा मत करना, क्योंकि 6 घंटे खेलना मोर देन इनफ होता है, उससे आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, और 6 घंटे से ज्यादा खेलने की जरूरत भी क्या है। बाकी मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मैं देख रहा था काफी सारे यूट्यूबर आपको मिसलीड कर रहे थे कि ये ट्रिक लगाओ वो ट्रिक लगाओ, मेरी डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से फ्री फायर डाउनलोड करो। तो भाई वो सब मत करो, कोई फायदा नहीं, वो थर्ड पार्टी ऐप में कोई वायरस या मालवेयर भी हो सकता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका आईडी बैन हो सकता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ पहले तो तुम लोग ये सब करो ही मत, 6 घंटा खेलना बहुत होता है, फिर भी आपके मन को शांति नहीं मिलती तो जो मैंने बताया उसी तरीके से करना, उसके अलावा कोई भी ट्रिक नहीं है। और शायद गरीना इसे भी आगे जाके बंद कर सकती है, कोई भरोसा नहीं है गरीना का, लेकिन इसके कम ही चांसेस है। बाकी तुम लोग जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।